छिंदवाड़ा में धार के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में फंसी दो लड़कियों की जान चट्टान पर घंटों फंसे रहने के बाद रेस्क्यू टीम ने बचाया। भागलपुर में पानी की मार से ढेर हुई स्कूल की इमारत चारों तरफ से बाढ़ में घिरने के बाद धार में समाई। मोतिहारी में गंडक के उफान से तटबंध धराशायी, गांव में घुसा सैलाब। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पर बांध टूटा, दर्जनों पंचायतों में भरा पानी। सीहोर में जोरदार बारिश के बाद बीच शहर में बाढ़ के हालात, सड़कों पर बहती धार में बह गई मोटरसाइकिल। राजस्थान में छिड़ा नया घमासान, विधानसभा सत्र बुलाने का लेकर गहलोत सरकार और राज्यपाल में ठनी। गहलोत सरकार सोमवार से बुलाना चाहती है विधानसभा का सत्र, सूत्रों का दावा कोरोना संकट के चलते राज्यपाल नहीं दे रहे सहमति। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते भी राज्यपाल का सत्र बुलाने से इनकार। गहलोत ने रात 9:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ गहलोत खेमे का राजभवन परिसर में धरना, विधायकों ने की नारेबाजी। सीएम गहलोत ने लगाया राज्यपाल पर दबाव बनाने का आरोप, कहा जनता ने राजभवन का घेराव किया तो हम जिम्मेदार नहीं। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी, कहा हालात बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। राजस्थान में हाईकोर्ट ने पायलट गुट को दी बड़ी राहत, याचिका को माना सही, स्पीकर कार्रवाई पर लगाया स्टे। पायलट खेमे की याचिका पर आगे भी जारी रहेगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने पर दी मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर सीपी जोशी, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जारी है सुनवाई। विवादों में आए कारोबारी संजय जैन को 5 अगस्त तक भेजा जाएगा जेल, टेप कांड के सिलसिले में एसओजी ने गिरफ्तार किया। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई, एसपी अपर्णा गुप्ता और जेवरी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड। एडीजी करेंगे संजीत यादव हत्याकांड की जांच, परिवार ने पुलिस पर लगाया है फिरौती का पैसा हजम करने का आरोप। 22 जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण, बहन का आरोप, पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला। अपहरण कांड के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ संजीत के मौत का खुलासा, आरोपियों का दावा गला दबाकर नदी में फेंका। कानपुर कांड पर यूपी में फिर भड़की सियासत, पुलिस ने कानपुर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह को रोका। कांड पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर कहा यूपी में दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। संजीत के परिवार को 5 लाख की मदद देगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कानपुर कांड में मायावती ने भी सीएम योगी को घेरा, कहा यूपी में जंगल राज। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और ऑडियो सामने आया, फरार होने के दौरान साथियों से फोन पर मांग रहा था मदद। गैंगस्टर के उज्जैन पहुंचने से 2 दिन पहले का है ऑडियो, मुंबई एटीएस की गिरफ्त में आए गुड्डन के बारे में बार बार पूछ रहा था विकास। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोरोना का हवाला देकर की थी भूमि पूजन रोकने की मांग। भूमि पूजन के खिलाफ याचिका पर योगी के मंत्री मोहसिन रजा भड़के, कहा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं साजिश। राम मंदिर निर्माण के लिए बीएचपी का बड़ा ऐलान, 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। पीएम मोदी के अयोध्या कार्यक्रम के सिलसिले में कल सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, तैयारियों का लेंगे जायजा। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। दिल्ली के छतरपुर क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग मरीज से रेप की वारदात, दोनों आरोपी संक्रमित। दिल्ली के शास्त्री पार्क में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम केजरीवाल, जल्द काम पूरा करने का आदेश। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हैकर को किया गिरफ्तार, 18,000 कोरोना मरीजों के डेटा में सेंध लगाने का आरोप। दिल्ली में यमुना में दिखा जहरीला झाग, पर्यावरण विशेषज्ञों ने जताई चिंता। दिल्ली में कूड़ा निस्तारण में सिविक एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ 40 फुट छोटा हुआ। सोनीपत में तेल मिल में लगी आग, आसमान सैकड़ों फीट उठा धुएं का गुबार। हरियाणा के फतेहाबाद में यूपी पुलिस का जवान गिरफ्तार, अवैध हथियार और शराब तस्करी में शामिल होने का आरोप। लुधियाना में जल जमाव से कई घरों पर पड़ी दरार, लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। संगरूर में कुर्बानी के लिए एक बकरे की 3 लाख तक पहुंची बोली, कान पर अरबी में लिखा है अल्लाह। गुरुग्राम में निजी अस्पताल पर FIR, इलाज में लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत का है मामला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरे कंप्यूटर बाबा, ग्वालियर में निकाली लोकतंत्र बचाओ यात्रा। इंदौर में नाबालिग रेहड़ी वाले का ठेला पलटने के मामले में पकड़ा तूल, नगर निगम ने बिठाई जांच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का विवादित बयान, कहा बिकने वाले जनप्रतिनिधियों से कार्यकर्ता लेंगे हिसाब। भोपाल में लॉकडाउन शुरू होने से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, दोपहर 3 बजे से 10 दिन के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन वीडियो जारी कर जताया था हमले का शक। खरगोन में कोरोना के डर से अंतिम संस्कार की रस्में भी प्रभावित, मुंडन से नाई का इनकार। गुना में इलाज के अभाव में टीबी मरीज की मौत, परिजनों का आरोप, सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने मांगे पैसे। नासिक में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया। जिंद में नहर से मिले 2 सगी बहनों के शव, पिता पर है हत्या का आरोप।
ऊटी के क्वारंटीन सेंटर में दिखी बड़ी लापरवाही, इस्तेमाल हुई पीपीई किट को बंदरों के झुंड ने इधर उधर फैलाया। सुपौल में सांस की तकलीफ से बीच सड़क पर घंटों तड़पता रहा एक शख्स, खबर देने के बावजूद न पुलिस पहुंची न डॉक्टर। रोहतास के सरकारी अस्पताल में लापरवाही और संवेदनहीनता की हद, कोरोना मृतक की अधजली लाश को आवारा कुत्तों ने नोचा। सासाराम में दिखी कोरोना संकट और आर्थिक तंगी की दर्दनाक तस्वीर, घर चलाने के लिए नाबालिग लड़की रिक्शा खींचने को मजबूर। गोपालगंज में बाढ़ के चलते भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचा हिरण, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने वारदात का वीडियो वायरल किया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई और विधायक नीरज सिंह ने लोगों से की सुशांत की आखिरी फिल्म देखने की अपील, फिल्म को बताया एक्टर के लिए श्रद्धांजलि। सुशांत सिंह का आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, करीब 1.5 महीने पहले एक्टर ने की थी खुदकुशी। पटना में पीएमसीएच के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री घिरे, नर्सों और अस्पताल स्टाफ ने की सुविधाओं की कमी की शिकायत। जोरदार बारिश ने बिगाड़ी पटना की सूरत, दानापुर के पौष इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख के जुर्माने के नियम पर सियासत भड़की, बीजेपी के विरोध को जेएमएम ने खारिज किया। तेलंगाना के विकाराबाद में जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात, बस्तियों में घुटनों तक पानी भरा। बिहार के गोपालगंज में बांध टूटने से आफत, हाईवे पर उतरा समंदर। समस्तीपुर में रेल पुल के ऊपर पहुंचा बागमती नदी का पानी, ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। दरभंगा में बाढ़ से बेहाल हुए सैकड़ों परिवार, रेल लाइन के किनारे आशियाना लगाया। रामगढ़ में जोरदार बारिश से भैरवी नदी में उफान, नदी किनारे की दुकानें धार में बही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।